टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन। हमारे पास एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, एक हमारे साथ है द फर्स्ट वन रूटियम, द सेकंड वन इज ड्यूट्रियम और द थर्ड वन तीसरा हमारे साथ है ट्रिटियम। नाउ पहला प्रोटियम, इसका एटॉमिक नंबर, प्रोटियम का एटॉमिक नंबर वो हमारे साथ है 1। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं, वो भी 1 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, वो है 0। सो इसका मास नंबर बनता है, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो भी हमारे साथ 1 बनता है। तो एटॉमिक नंबर इसका 1 और मास नंबर भी इसका 1। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, ये न्यूक्लियस है, इसमें 1 प्रोटॉन है और 0 इसमें न्यूट्रॉन है और पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटियम। दूसरा द सेकंड वन, दूसरा हमारे साथ है ड्यूट्रियम। नाउ ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर इसका है 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी हमारे साथ है 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो हमारे साथ है 1। तो इसका मास नंबर बनता है, मास नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 1 + 1 तो ये 2 बनता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर इसका है 2। इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है और आउटसाइड शेल में हमारे साथ है 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूट्रियम। तीसरा द थर्ड वन, तीसरा है ट्रिटियम। तो ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर वो बराबर है 1 का। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें, वो भी है 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, वो हमारे साथ है 2। सो इसका मास नंबर बनता है, मास नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 1 + 2 = 3 बनता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर इसका 3 है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, तो इसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हमारे साथ है और आउटसाइड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर 1, 1, 1 बट डिफरेंट मास नंबर 1, 2, 3, और ये उसका स्ट्रक्चर है।